गुड मॉर्निंग गाइस. एक्चुअली गुड मॉर्निंग का टाइम तो है नहीं, बट मैं थोड़ा सा लेट उठा बिकॉज मैं सुबह सोया हूँ 6 बजे रेस्क्यूज़ रिलीज़ करके, और अभी भी बहुत ज़्यादा काम पेंडिंग है. तो बस मुझे आज थोड़ा सा अंदर से लग रहा था कि मैं दिन भर व्लॉग करूँगा और थोड़ा सा मोटिवेशन आ गया, तो आज हम करेंगे. मैं जैसा सोता हूँ उसके सामने ही इन्क्लोजर है इंची का, पर इंची के इन्क्लोजर ने मैंने देखा कि उसने पॉटी कर रखी है बहुत सारी और वो सो रही है, और यहाँ पर ऊपर ही स्पाइकी भी बैठा है. तो अभी पहले तो मैं नहाऊंगा, इंची का इन्क्लोजर क्लीन करेंगे, इंची को खाना खिलाएंगे, और बाकी देखते कैसा होता है कि नहीं. फटाफट चालू करते आज का दिन. पीस आउट, लेट्स गो. आज ये महाशय भी थोड़े से लेट उठे हैं, और मतलब ये जल्दी उठ जाता है यार 5 बजे. मैं उसको 5 बजे जैसे इसकी आँख खुलते हैं उसको फीड करा के सुला देता हूँ वापस से, पर अभी ये उठा है वापस और इसका वापस खाना पानी का टाइम हो गया. खाना पानी मतलब ये सिर्फ दूध पीता है अभी. तो पहला मैं ब्रश कर लेता हूँ, इसको मेरी याद आ रही थी, चिल्ला रहा था, तो फिर अभी बिकॉज ये बहुत छोटा है तो इसको ह्यूमंस की अटैचमेंट की बहुत ज़रूरत है, ह्यूमंस मतलब कोई भी बड़े फिगर की. तो अभी फटाक से इसको भी खाना पानी देंगे, मैं ब्रश करता हूँ. और ए बाबू तुझे नख वाड़ ले, मतलब तुझे नख लागता. तो चलो शुरू करते हैं दिन. क्या कर रहा है देखो. लेट्स गो. ये भाई ये इधर अंदर चिल करते रहते. ओए ओए पोरा चला चला. अभी आपको इसके बारे में मालूम नहीं होगा ना ये क्या है. हाँ यहाँ मैंने इसको इसके बारे में लोगों को बताया नहीं है क्या है. थोड़े टाइम में नहा के बताता हूँ इसके बारे में. सो गाइज राइट नाउ वी हैव गॉट अ रेस्क्यू कॉल अगेन, एंड किसी के पार्किंग लॉट में गैरेज के अंदर स्नेक है. सो लेट्स सी व्हाट्स रॉन्ग एंड व्हाट्स द सिचुएशन इज, एंड देखते हैं कौन सा स्नेक है और उसकी जान हम लोग कैसे बचा पाए. पीस, लेट्स गो. सो हियर इज द कॉल. दिस तो है पार्किंग मध्ये गेला है. हां आता तोंड काढलाय ते. हां गेला आत मध्ये. ए उघडे आहे ना पार्किंग. हां उघडे आहे. अच्छा इतना बड़ा है, किसने देखा पहले. बरेस मोटा है, धामन वाटते का. अच्छा यस दीस गाइस वर करेक्ट, इट इज एन इंडियन रैट स्नेक एंड सीम्स टू बी वेरी डिफेंसिव. He gave a great strike on the camera directly. Sita camera pe waar de diya bro. Oh. You guys can see she is very much defensive. Let me just put the camera somewhere. काय गोणी वगैरे भेटेल का. एसी वाले पैसे असेल काय. हां बघा जर का असली तर. इकडे काहीतरी धुळ लागले का. नाही नाही धुळ लागलेली तिला. आत्ताच गेली का. आत्ताच. किसने किसने देखा पहिले. हा पक्षीने अटॅक केला काय. त्याच्यामुळे ती चिडली आहे खूप. फाटली आहे का गुम. नको असू दे असू दे, होऊन जाईल. साईन त्याच्यावरती साईन फक्त.
चलो बाय। हो ऑलराइट गाइस, सो आई एम सुपर रेडी राइट नाउ, फटाफट नहा धो के आ गया। नाउ इट्स द टाइम टू क्लीन इंची, वो यहाँ पर है। तो पहले इसको ओपन करेंगे, इंची को पहले निकालेंगे। उसने बहुत, ये उसका बेसिकली छोटू सा इंक्लोजर है, बहुत पूपी किया है इसने। पूपी करता है तू? सो इज डूइंग प्रीटी वेल। पहले तो लेके जाके हम लोग इंची को एक उसके हीट वाटर के सोप के अंदर रखेंगे। सो जब तक वो सब क्लीन हो रहा है तब तक इंची थोड़ा सा चिल करेगा, थोड़ा सा सोना बात वगैरह लेगा, थोड़ा सा टेम्परेचर मेंटेन करेगा, और फिर तब तक हम लोग फटाफट वो एनक्लोजर क्लीन कर लेंगे। और या शायद से इंची को आज उसका फीडिंग डे भी है, सो हम लोग इंची को फीड भी करेंगे। सो या लेट्स गो, सीम सुपर इंटरेस्टिंग। चल, इसके अंदर बेसिकली ल्यूकॉम वाटर है। चिल करना ठीक है थोड़ा टाइम तक, आई विल बैक सून, पीस। तो यहाँ आप देख सकते हो कि इसका इंक्लोजर हो गया है क्लीन, नया वाटर बाउल, और इसका फ्रिज चेंज हो गया है। देखते हैं इंची को वो क्या कर रही है। इंची चिल ही कर रही है। चल आजा, बहुत ज़्यादा चिल कर लिया, आजा 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 मेरा बच्चा। गीला गीला हो गया तू, गीला गीला हो गया। बहुत बहुत सही है हेडफोन से भाई, स्पॉन्सर कर दो भाई बोट। सो यस, इसकी आप स्किन देख सकते हो, बहुत ब्यूटीफुल सा टेक्सचर है इसके ऊपर। एंड इसको मैं वापस अपने इनक्लोजर के अंदर डाल देता हूँ। बहुत पोटी करती है ये, खाना भी उतना ही खाती है। वाओ, मज़ा आया इंचू, इंचू बेबी मज़ा आया। घर की सफाई हो गई। आई गेस मुझको ये पोछना सिर्फ रह गया है थोड़ा सा, बट ठीक है फिलहाल के लिए ठीक है। मतलब वो साफ है यार, उसको थोड़ी सी धूल मिट्टी चाहिए। सो यस, अभी मैं ट्राई करूँगा कि इसको अपना खाना फीड करने के लिए। बाकी लोग बोलते हैं कि आपने ऑल ऑफ द पेट्स की वीडियोस देखा, तो भाई मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। मेरे पास कुछ फिंचेस है, यहाँ पर ये एक कॉकटेल है, और यहाँ पर मेरे पास एक पाइन एप्पल कॉनी और भी है। ये सारी चीज़ें कुछ अडॉप्टेड है किसी लोगों को, कुछ इनको तो फॉस्टर कर रहा हो, और फीडिंग आइटम यहाँ पर है जिनको मैं बहुत टाइम से पाल भी रहा हूँ, बट मुझे इनको फीड कराना ही पड़ेगा बिकॉज वो पर्पज़ के लिए मैं उन्हें लेके आया था। सो यस, थोड़े लाने से पहले इनको थोड़े दिन क्वारंटाइन वगैरह करते हैं, और फिर उसके बाद फीड कराते हैं। सो या लेट्स गो एंड फीड हिम। ऑलराइट गाइस, तो आज इंची के फीडिंग के लिए हमारे पास बहुत सारे गेस्ट हैं। हेलो 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 हेलो, और ये लोग भी है। तो लेट्स सी, उसके एनक्लोजर में नहीं है, बट लेट्स सी कि वो खाती कि नहीं। उसके लिए काफ़ी छोटा फीड है, बट ठीक है, मतलब कभी कभार इतना खाना भी सही है। अगेन ग्राफिक कंटेंट का वार्निंग, मैं इसका एक्चुअल बाइट का फुटेज तो नहीं दूंगा, बट आई कैन श्योरली शो कि वो कैसे सॉलो करे। उसको मत डाल। या वी गो, लेट्स से तो थोड़ा सा टाइम जा सकता है ये चीज़ को। No time. और फीडिंग देखने को सिम्बा भी मौजूद है। Oh,
फर्स्ट फीड और मेरे पास अभी एक रैट है तो लेट्स ट्राई बिकॉज इसमें उसका पेट तो भरा नहीं है बिकॉज इंची तो बड़े फीड खाती है और अभी सब लोग फुल एकदम वो है तो लेके आते हैं एक और एक रैट देखिए दावत तो सबकी होनी चाहिए प्लीज सेकेंड फीड उसका थोड़ा इंटरेस्ट लग तो नहीं रहा बट हाँ उसको वो भी ढूंढ रहा है देख अंदर है ऐसा होता है बहुत बार कभी अनटेम्ड रैट्स रहते हैं ना उनको अनफ्रीक्वेंटली ब्रीड किया रहता है उनके अंदर वो एक वाइल्ड क्वालिटी तो रहता है कभी कभी स्नेक के ऊपर भी अटैक कर देते हैं क्या लगता है देवा खाएगा नहीं खाएगा क्यों नहीं खाएगा भरला संभालो हाँ इंची को वापस अंदर डाला है बिकॉज वो रूम में एसी चला था और टेम्परेचर थोड़ा सा ऊपर नीचे था अभी वापस इसको ट्राई करेंगे हम लोग फीड देने के लिए सो लेट्स चेक कैसा होता है सॉरी थोड़ा सा डर गई वो थोड़ा सा टाइम लेगा बट उसको खा लेगा तो मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद जब तक उसको खाता होगा ऑलराइट गाइस तो इंची का इंक्लोजर तो हो गया है साफ अभी अपना टाइम है अपने बेबी मंकीज को जोजी को और दूसरे का नाम मैंने अभी तरह रखा नहीं है उसको फीड करने के लिए बाकी स्पाइकी यहाँ पर चिल कर रहा है उसके हीट लैम्प के नीचे यहाँ से वो हीट लेता है बिकॉज इग्वानास को हीट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है अपना फूड डाइजेस्ट करने के लिए और इवन स्नैक्स को भी तो इसी के वजह से इंची का इन्क्लोजर उसी के नीचे है बट इनके अंदर एक सिनेरियो रहता है कि उनको डायरेक्ट वो सन या लाइट इसकी ज़रूरत नहीं रहती तो उसको ऐसा थोड़ा सा धुंधली लाइट और थोड़ा सा हीट वो मिल जाती तो उसका सीन शॉर्ट हो जाता है बाकी बंटे अपने बाल तो फुल फट्टे बड़े हो गए हैं कि नहीं सो बहुत लोग बोलते हैं यार तू तो ओरिची मारू है एकदम ऊंची वाला तो मुझे पता नहीं था पहले कि नारुतो यार ये मतलब मैं देखा नहीं था तो बेसिकली मैंने अभी थोड़ा टाइम पहले देखना चालू किया बहुत क्रेजी है भाई मज़ा आ रहा है बट हाँ क्या बोलते हो मतलब अगर आप लोगों कुछ लोग बोलते हैं कि बाल काट दो या क्या सीन है या यार ऐसा लड़की लगते हो बट यार मेरे को पसंद है यार और अपन मोगली है तो अपने मोगली के बाल तो लंबे ही रहते हैं तो अगर किसी को हेयर केयर वाला सीन कुछ चाहिए या ऐसा कुछ सीन चाहिए तो प्लीज़ बताओ फटाफट डीएम करो तो उसके ऊपर भी अपन थोड़ा कुछ इंटीग्रेशन फटाक से कोई ब्लॉग के अंदर डाल देंगे ना कि अपन कैसे सवारते हैं अपने बालों को अपने क्या बोलते हैं इनको हिंदी में यार ज़ुल्फों को लेट्स गो लेट्स चेक बच्चे को खाना खिलाते हैं प्लीज तो ये अपने बॉयज़ कहीं पर भी रहते हैं और ये सीरी तो बहुत बड़ी हो गई और ऊपर बैठती है यूजुअली देखते हैं इसको खाना चाहिए क्या क्योंकि अभी जस्ट मम्मी ने इसको केला खिलाया था उसे चाहिए जो लोग अपना चैनल बहुत टाइम से देख रहे हैं उनको सीरी और एलेक्सा के बारे में पता होगा तो ये वो दो एडॉप्टेड छोटे इगुआनास थे जो अभी काफ़ी बड़े हो गए हैं इसका पता नहीं यार इसके लाइफ के अंदर बहुत सारे क्राइसिस आते रहे थे इसको बीच में टेल रॉट वगैरह हुआ था और उसकी हाइट तो बढ़ नहीं रही है बट इस महाशय को देखो आप सीरी द मेल इगुआना हाँ जी हाँ हाँ तेरे को ही बुलाया बराबर सो ये एक बहुत पपी डॉग है इसको ऐसा पेट करना प्यार करना बहुत ज़्यादा पसंद है ना 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 कैसे आग बंद कर चाहिए बिग डॉगो डिजर्ट यस लेट्स जस्ट ट्राई फीडिंग हिम मैंगोज बिकॉज हाँ कभी तो फ्रूट्स देना पड़ता है उसने अभी जस्ट खाया था मम्मी बोल रही थी मध्य बट फिर भी मैं है मैंगो का एक स्लाइस जितने इसको चाहिए क्या चाहिए 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 तो क्या नहीं चाहिए यू वांट मैंगो
नहीं, बट मैंगो अपने स्पाई की महाशय तो ज़रूर खाएंगे, है ना? तू भी चिल कर रहा है क्या? ये महाशय के शौक ना भी है, उनको मैंगो पील ऑफ करके चाहिए था, सो हियर इट इज। डू यू वांट इट? Just try to swallow it the whole. भाई ने एक बनाना भी खा लिया शूट करने से पहले ही, उसने निगल ही लिया, तो थोड़ा मुंह तो पूछा कर ये सब क्या करता है यार स्पाइकी यार। ओके, as you guys can see, here is the one. इसके आँख में एक आँख में कैटरेट है, बहुत खतरनाक वाला, तो देखेंगे उसको हम लोग कैसे ठीक कर पा रहे हैं। और बाकी के दो लोग यहाँ पर हैं। सो यस, सुपर ब्यूटीफुल, सुपर गॉर्जियस जोजी इसके अंदर चिल करते रहते हैं हमेशा। अभी थोड़ी सी बड़ी हो गई है कंपेरेटिव टू उसके इससे, सो फिलहाल इनको बास्केट में रहने देंगे थोड़े टाइम तक। और वहाँ से वो देखो सीरी की नज़र इनके ऊपर कायम बनी हुई है, थोड़ा टाइम इनको बंद रखेंगे। सीरू तो क्या चलो, सीरू कौन आले अपने कड़े, कौन आले? शी जेन्युइनली लाइक्स टू गेट पेट नाउ। और ये हमेशा हम लोग ये डोर से एंटर करते हैं, और जब भी कोई आता है घर पे तो ऐसे ही खड़ी रहते हैं, उनको ग्रीट करते हैं, हम लोग पैसा मिलते हैं। और फिर हम लोग सब लोग घर में आते हैं। Nothing can stop me, I'm all the way.